बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने चर्चित चिकित्सक से 20 करोड़ रंगदारी की मांग कर दी है। निबंधित डाक से रंगदारी मांगे जाने की जानकारी मिलते ही चिकित्सकों में जहां हड़कंप मच गया, वहीं प्रशासन जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर आज IMA के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में पीड़ित चिकित्सक डॉक्टर रुपेश कुमार सहित अन्य SP से मिलकर मामले की जांच और सुरक्षा की गुहार लगाई है। रंगदारी मांगे जाने की प्राथमिक नगर थाने में भी दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस अनुसंधान कर रही है। डॉक्टर रुपेश कुमार ने बताया कि गुरुवार की दोपहर 3 बजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, लेकिन वह पत्र स्टाफ ने रिसीव किया था। शाम में पेशेंट देखने के बाद मुझे ये दिया गया, तो मामले को मैंने थाने तक पहुंचाया। पत्र में 20 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर क्लिनिक को ध्वस्त करने की धमकी दी गई है। स्पीड पोस्ट से हमको कल जानकारी सामने मिली, एक रंगदारी मांगा गया है, उसमें प्रेषक का नाम भी था। हम इसकी सूचना थाना को दिए, थाना बोले कि हम समुचित कार्रवाई करेंगे। आज हम SP साहब से मिले, SP साहब भी बोले कि हम इसका निदान करेंगे। लिखटर में यह लिखा था, ये पैसा दीजिए नहीं तो आपके साथ जान माल की छनी और आपके क्लिनिक को उड़ा दिया जाए। 20 करोड़। ये हम इसकी जल्दी से जल्दी हम उद्भेदन कर देंगे। तनाव तो देखिए, कुछ भी होगा तनाव तो थोड़ा हो ही जाता है। पेशेंट फुल माइंडेडली देखता है, ठीक है, फियर को फेस तो करना ही पड़ता है, तभी न फियर घटेगा। वहीं IMA के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने भी इस घटना की जानकारी मिलने के बाद SP योगेंद्र कुमार से IMA का प्रतिनिधि मंडल मिलकर मामले की जानकारी करने को कहा। लिखा हुआ था कि मैं ठाकुर गैंग, 3 दिन के अंदर रुपए नहीं दोगे तो क्लिनिक को बम से उड़ा दिया जाएगा। SP ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए, आज एक घटना सामने आई है जिसमें कि बेगूसराय के प्रसिद्ध चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुपेश कुमार, उनको कल शाम में एक स्पीड पोस्ट से डाक के द्वारा एक चिट्ठी प्राप्त हुई। चिट्ठी करीब 5 बजे शाम में खोला गया, क्योंकि व्यस्त डॉक्टर हैं और शाम में फ्री होकर के वो चिट्ठी देखे। चिट्ठी में एक कहीं से कोई बम्बम कुमार नाम का आदमी है जो कि जगदीशपुर का रहने वाला है, बलिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। जो चिट्ठी के अनुसार उसमें लिखा हुआ है, उसमें उसने 20 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की है। चिट्ठी पढ़ने से देखा, उसमें बहुत सारी डिटेल में लिखा हुआ है कि उसका गैंग चलता है, गैंग के थ्रू उसने मांग की है और जल्दी से जल्दी पैसा पहुंचाने की बात कही गई है। इसी सिलसिले में एक थाने में आवेदन दिया गया है और आज IMA का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जिला पुलिस कप्तान श्री योगेंद्र कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात में उनके सारी बातें बताई गई, जिसमें कि मैं भी था, डॉक्टर रुपेश कुमार थे, डॉक्टर संजीत कुमार सिंह थे और एक दो अन्य सदस्य थे जो हम लोग साथ रहते हैं। सर से बात की, पूरी बात उन्होंने सुनी हम लोगों की और उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा कि किसी ने बदमाशी की है या इसमें कोई सक्रिय गैंग का हाथ है, गिरोह का हाथ है, तो उसको पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अपराधी ने निबंधित डाक से रंगदारी देने का पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया था कि डॉक्टर रुपेश कुमार 8 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपया रंगदारी टैक्स दे दो, नहीं तो 9वें दिन से खेल चालू हो जाएगा और तुम्हारे क्लिनिक को भी बम से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अपराधी बेखौफ होकर कहीं भी किसी भी घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। और यही कारण है कि हाल ही के दिनों में शराब माफियाओं पर छापेमारी करने गए पुलिस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो दूसरी घटना कल की बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर जहां एक तरफ भयंकर गोलीबारी की, लूटपाट की, वहीं तीसरी घटना आज सामने आई है जहां एक डॉक्टर से बायपोस्ट के जरिए 20 करोड़ की रंगदारी मांगी। इसके बाद न सिर्फ डॉक्टरों के खेमे में हड़कंप मच गया है, बल्कि पुलिस भी इससे थर्रा उठी है। ऐसे में डॉक्टर की टीम अब पुलिस से सीधे सीधे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जो यहाँ के लॉ एंड व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि इन चीज़ों को लेकर बेगूसराय SP ने इनको आश्वस्त किया है
कि हर हाल में जो इसमें संलिप्त अपराधी है उसकी छानबीन की जा रही है, मामला सामने आने के बाद उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामला दर टू दर सामने आ रहा है, एक बार फिर से बेगूसराय के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बेगूसराय पुलिस इस चीज़ों को कैसे हैंडल करती है। बेगूसराय से न्यूज़ 24 के लिए जीवेश।